दोस्तों सजरी मुनून के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं जिसमें हालिद अपने ऑफिस में होता है और कंपनी की मीटिंग कर रहा होता है। हालिद कहता है हमें और भी शेयर्स खरीदने होंगे ताकि हम और चीज़ें खरीद सकें। वो स्टेक होल्डर कहते हैं सर आप ठीक कह रहे हैं। हालिद कहता है मैं नहीं चाहता कि हमें आगे जाके नुकसान हो। वो स्टेक होल्डर कहते हैं सर ऐसा ही होगा जैसे आप कह रहे हैं। वहीं मीटिंग के दौरान नादिर नामी शख्स भी आता है और हालिद से बात करने की कोशिश करता है और बाकी सबको कहता है आप मुझे और हालिद को अकेला छोड़ दें। हालिद कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। नादिर कहता है आप तो मुझे भूल ही गए। हालिद कहता है अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो। असल में हालिद से नादिर बदला लेने आता है लेकिन हालिद को पता ही नहीं होता। नादिर कहता है हम साथ मिलकर काम करेंगे। हालिद डरने की कोई बात नहीं है, कोई आपको अच्छे से जानता है, मुझे लगता है आप उस इंसान से बैठना पसंद नहीं करेंगे। हालिद कहता है कौन है वो। नादिर कहता है वो रही, वहाँ से आलिया आ रही होती है। हालिद आलिया को देखकर हैरान हो जाता है कि आलिया नादिर की पार्टनर है। आलिया आके नादिर के बराबर में खड़ी हो जाती है। फिर आलिया नादिर को कहती है मुझे उम्मीद है आपने हालिद को सब बता दिया होगा। नादिर कहता है मैंने बताया लेकिन हालिद साहब ने मेरी बात नहीं सुनी। हालिद कहता है मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा, मैं उसका बाप हूँ। आलिया कहती मैं अपने बेटे की गारंटी ले चुकी हूँ। हालिद अब तुम्हें जो करना है तुम कर लेना क्योंकि हालिद अब तुम मजबूर हो गए हो, तुमने इन्वेस्टर को पैसे भी दे दिए हैं, अब से तुम हमारे साथ काम करोगे। हालिद कहता है नादिर सामने आके लड़ो और औरतों की तरह छुप कर मत लड़ो, तुम अब डर गए हो। नादिर कहता है तुमने काफ़ी साल पहले मेरे साथ काम किया था सो डरो मत हालिद। सो हालिद अब तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है। हालिद गुस्से में आता है और कहता है बस कर दो अपनी बकवास, मेरे पास अभी बहुत सारे शेयर्स बाकी हैं, मैं बोर्ड का चेयरमैन हूँ। नादिर कहता है मुझे मजीद बात करने की ज़रूरत नहीं है। हालिद कहता है तुमने मेरी फैमिली को नुकसान पहुँचाया है, अब देखो मैं क्या करता हूँ। फिर हालिद कहता है याद करो नादिर मैंने तुम्हें कितना समझाया था लेकिन तुमने मेरे सारे पैसे गंवा दिए थे, तुम गलत ट्रैक पर थे। नादिर कहता है हालिद अब चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम भी उसी ट्रैक पर हो। फिर नादिर वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों मज़ीद ड्रामा सीरियल और रिव्यूज़ और प्रोमोज़ के लिए हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।